अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी, अब तक तेरा अटेम्प्ट्स वर्सेस एक्यूरेसी की गेम सेट हो चुकी होनी चाहिए। कितने अटेम्प्ट कर रहा है, कितने अपनी एक्यूरेसी टाइप करो जरा, क्या आ रही तुम्हारी, 70% एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी। मैं तुम्हें एक बॉल पार्क पैरामीटर दे देता हूँ आज, वर्बल के अंदर उतना अटेम्प्ट करो जितना तेरे को सह पाता है, उतनी दारू पियो जितनी तुम पी सकते हो। अगले दिन हैंगओवर होना है तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। नंबर हैंगओवर हो गया अगले दिन तो ठीक हो जाएगा, बट कैट तेरे से पेपर छीन लेगा। एक्यूरेसी इन वर्बल एबिलिटी शुड बी समवेयर ऑन 80-90% फॉर श्योर, 80-90%, बीइंग ऑनेस्ट 90%, क्योंकि तुम जाके आरसी वही करने वाले जो आने वाला है। क्वांट अगर तेरा अच्छा है 80% टाइल 75-80% एक्यूरेसी, अगर तेरा स्टड आदमी तो 90% पे ले जा सकता है। और रही बात DILR की, उतना ही करना है 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी DILR के अंदर। क्वेश्चन गलत को छूना ही नहीं है, जो तेरी औकात के ऊपर है वो बनाना नहीं है। मैं इनके बारे में बात भी करूंगा, क्या क्या करने वाले, कैसे करने वाले। आगे जो भी तूने हाइजीन फैक्टर है लास्ट वाला, जो भी तूने अभी तक पढ़ा उस दिन 40 मिनट में जाके उगल के आना है। तूने 6 घंटे पढ़ाई की, तूने 8 घंटे पढ़ाई की, तूने एक्स कोचिंग की, मुझे नहीं पता, उस 40 मिनट के अंदर सारा उगल के आना है, सारा वर्बल एबिलिटी, सारा LRDI, सारा पॉइंट उस 40 मिनट के अंदर। तो अभी देख ले उस 40 मिनट के अंदर आर यू एबल टू जस्ट टाइप इन येस और नो, आर यू एबल टू गिव योर बेस्ट। वो 40 मिनट का उगल के आ सकता है जितना पढ़ा हुआ है, ज्यादा नहीं, जितना पढ़ा हुआ है। अगर तूने जितना पढ़ा हुआ है उगल के आ पा रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो रुक जाना और मॉक्स के अंदर स्कोर इंप्रूव करने के लिए अपने स्कोर्स कंसोलिडेट करना। यू आर माय द्रोणाचार्य, अरे दैट्स वेरी